हेलो दोस्तों, तो आज फिर से मैं एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज आधार कार्ड की एक बहुत बड़ी अपडेट लेके आया हूं, जो कि पहले आप अब आधार में कोई भी करेक्शन करते थे, नेम हो, एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ हो, आप खुद से कर लेते थे। वो अब तरीका बदल गया है। अब उसको कैसे करना है, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो नया प्रोसेस क्या है, चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो गाइस, मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के बीच में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए सबसे पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, कोई भी नई अपडेट आती है। तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। गूगल क्रोम में जाना है, माई आधार आपको टाइप करना है। हमेशा की तरह जैसे आप आधार की साइट पर जाते हैं, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं लॉग इन, लॉग इन पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर फिल कर देना है नीचे आपको। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है आपको, तो आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो ओटीपी आपको टाइप कर देना है, फिर से वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है आपको। तो बहुत सिंपली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमेशा की तरह इंटरफेस खुल गया है नया। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट। तो यहाँ पे 10 साल से जिसका पुराना आधार कार्ड है वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने पहले पीबी से आधार मंगवाया था, उसका स्टेटस है। और यहाँ पे आप कोई भी अपडेट जो 10 साल पुराना है तो वहाँ पे आप देख फ्री में कर सकते हैं। तो चलिए ऊपर यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आता था आधार ऑनलाइन अपडेट का ऑप्शन, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एड्रेस अपडेट। तो इसे ओपन करना है आपको, फिर से आधार अपडेट ऑनलाइन यहाँ क्लिक करना है आपको। प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं अब नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सब के सब अनहाइलाइटेड है। इस पर क्लिक करेंगे आप तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको इन तीनों पे। देख सकते हैं ये तीनों बिल्कुल ही हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो एड्रेस पे क्लिक करूंगा तो करते ही देख सकते हैं आप, एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्रोसीड टू अपडेट आधार हाईलाइटेड हो चुका है। इसका मतलब यही है कि अब आप आधार कार्ड में बस एड्रेस ही घर बैठे चेंज कर सकते हैं, पहले की तरह जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं अब आप। तो ये इस कारण कर दिया गया है कि तो UID की तरफ से ये बंद कर दिया गया हुआ है ऑफिशियली। अब आप बस ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं, ओनली एड्रेस पे इसलिए कर दिया गया है क्योंकि एड्रेस कॉमन चीज़ होता है, वो हमेशा अपडेट कराना लोगों को इम्पोर्टेंट होता है। आप कहीं भी जाते हैं, आप दिल्ली, मुंबई, बिहार, एनीवे कहीं भी जाते हैं आप, तो वहाँ पे आपको एड्रेस अपडेट कराना ज़रूरी होता है। और इन लोगों के ये फर्जीवाड़े की वजह से ये बंद कर दिया गया है। UID ने ये अच्छा पहल किया है जो फर्जी काम बंद हो जाएगा। तो इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए गाइस मेरे चैनल तो इसी तरह का अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत नई अपडेट है और नई जानकारी है। अब सिर्फ UCL सेंटर पे जाके आप अपना आधार एड्रेस चेंज करवा सकते हैं, और नेम, डेट ऑफ बर्थ जो भी है सारा कुछ UCL सेंटर पर ही जाके आपको करवाना होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।